छिंदवाड़ा से इस वक्त की हमारी खास खबर आपके लिए लेकर हाजिर है। छिंदवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन पर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। आखिर छिंदवाड़ा में नहीं रुक रहा है पलायन। कांग्रेस छोड़ भाजपा में हर दिन सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा का दामन थामा जा रहा है। जहां 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, छिंदवाड़ा पूजा लोन के कार्यकर्ता सम्मेलन पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ से मात्र 370 वोट को बढ़ाने का मंत्र दिया और कहा कि इस बार छिंदवाड़ा से 5 लाख वोट से भी ज्यादा भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा में कमल खिलाकर भारी मतों से विजय बनाकर सांसद तक भेजना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में वार्ड नंबर 39 के युवा नेताओं ने कांग्रेस का छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें मुख्य रूप से युवा नेता यश पेट ने, मिलन परिहार, दीपक बेलवंशी, मोहित निलेश साहू, अंशुल यादव, सुरेंद्र नागवंशी, अतर सावले, सूरज नायक, जितेंद्र जवारे, रूपेश साहू, रामभरोस बेलवंशी और साथ ही वार्ड नंबर 1 काराबो वह की परिषद रोशनी सलामे, पति बबलू सलामे अपने दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और इस बार लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से 5 लाख वोट से ज्यादा विजयी बनाकर संसद तक भेजने का संकल्प लिया। एमपी न्यूज लाइव जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास रिपोर्ट। जी बताएं, वार्ड नंबर 39 से हम सभी दोस्त लोग भाई बंधु आए हैं मोदी जी के इस कार्यकाल को देखते हुए। हमारे बीच में हमारे भैया बंटी के इस बार जो जिनको सांसद पद का टिकट मिला है उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। हम पूरे दिल से मनोकामना करेंगे कि बंटी जी जीते। धन्यवाद। आपका नाम? मिलन पड़िया, वार्ड नंबर 39। भाजपा ज्वाइन करने का सबसे प्रखर और प्रबल कारण यही है कि हमें राम में आस्था है। हम वार्ड नंबर 1 बरतला से जितने भी हमारे कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, समन्वयक, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी, पार्षद, सभी लोग एक एक कार्यकर्ता। जी बताएं, आज किन किन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की? हमारे भाई साहब यश पेट ने जी, रुकेश भैया, मिलन भैया, सुरेंद्र भैया, जितेंद्र जी, जितेंद्र यादव भैया, मैं मोहित सरन सर, जितेंद्र जावरे जी, हम सब ने मिलकर आज बीजेपी में सदस्यता ली है। जिससे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। क्या कारण है जो आपने भाजपा ज्वाइन किया? नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकारिणी है उनके जिससे मतलब अपना उनके सारे लोग ने ज्वाइन करे हैं। वार्ड क्रमांक 39 से हम सब लोग हैं, वहीं कार्यकारिणी में रहेंगे। क्या नाम है आपका? यश पैट। 370 वोट बढ़ाएं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, जरा हाथ उठा के बताइए मुझे कि हम अपने पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे। मैं दावे से कहता हूँ 5 लाख वोट से ज्यादा छिंदवाड़ा सीट हम जीत के बताएंगे आपको। 5 लाख वोट से यदि आपने ये संकल्प, ये छिंदवाड़ा भी अयोध्या बन जाएगी, जैसे इंदौर अयोध्या, बोले कोई भी निर्णय जीत के जाएगा छिंदवाड़ा भी अयोध्या बन जाएगी। कार्यकर्ता बंधु, ये आपकी परीक्षा का समय है। हम सौभाग्यशाली हैं। जब मैं एक कमेटी के रूप में पश्चिम बंगाल में गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमें वहां भेजा। महिलाओं पर अत्याचार किए जो मामले थे उसके संदर्भ में पश्चिम बंगाल में मैंने देखा, जहां हम खड़े नहीं रह सकते हैं, जहां हम कोई काम करने की सोच नहीं सकते, वहां काम खड़ा करके 2 सीट से कई सीटों पर परिवर्तित करके वहां के माहौल को बदलने का काम किया। ऐसे माननीय कैलाश जी के लिए उठाकर हम अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका वंदन करें। और मैं हमेशा मऊ और इंदौर के लोग बोलते हैं जिन्होंने उनके नेतृत्व को नजदीकी